रेल प्रशासन द्वारा ऐसा कोई शेड्यूल तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन जब जब उड़ीसा में यदि कोई घटना होती है तो उसका असर जो है वो छत्तीसगढ़ में जरूर देखा जाता है, क्योंकि मेन ट्रैक में होता है, तो निस्संदेह यहाँ से भी होकर जो गुजरती है गाड़ियां उनमें भी असर देखा जा सकता है। रेल प्रशासन हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद में ये पूरा शेड्यूल जारी करे कि आखिरकार कोई गाड़ियां रद्द तो नहीं की गई है, कितनी गाड़ियां लेट चल रही है, तो अभी ये शेड्यूल जारी हो सकता है। लेकिन निस्संदेह जब जब जैसे उड़ीसा में जो भी कार्य होते हैं, चाहे मेंटेनेंस का कार्य हो, चाहे कोई दुर्घटना होती है, तो उसका सीधा असर जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने के लिए मिलता है। तो हो सकता है कि अभी ऐसी कई ट्रेनों को रद्द किया जा सकता है, हो सकता है कि कुछ ट्रेनें लेट भी चले, क्योंकि अभी पहले से ही ये देखा जा रहा था कि कई ट्रेनें जो है अब वो किसी न किसी कारणवश लेट चल रही थी, कई ट्रेनों को रद्द किया जा रहा था। कुछ ही दिन पूर्व ये स्थिति थोड़ी सी ठीक हुई थी, उसके बाद में फिर एक बड़ा हादसा घटित हो गया है, तो निस्संदेह जो है इसका असर जो है वो छत्तीसगढ़ में जरूर देखा जा सकता है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि रेल प्रशासन द्वारा कुछ देर के बाद में इसका जारी कर दिया जाए, लेकिन जिस तरह से लोग जो है ट्रेनों का सफर तय करते हैं, ट्रेनों में का सहारा लेकर वे अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, निस्संदेह उनको परेशानी हो सकती है, क्योंकि इनका शेड्यूल पहले से फिक्स होता है वो जाने और आने का। हो सकता है कुछ की कनेक्टिंग जो गाड़ियां होती है वो भी रद्द हो जाती है, क्योंकि वो भी छूट जाती है, क्योंकि वो ट्रेनें रद्द हो जाती है या फिर लेट से चलती है, तो निस्संदेह जो बाकी यात्री हैं उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, यानी कि इसी तरह की खबरें अब छत्तीसगढ़ के यात्रियों को भी परेशान कर सकती है। मिथिलेश बने रहेगा हमारे साथ, एक बड़ा अपडेट जो कि सामने आया, दर्शकों को इस बारे में जानकारी दे दें, 288 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक, ये जानकारी सामने आ रही है, 1000 से ज्यादा लोग अभी भी घायल अवस्था में है, गंभीर घायल है, फौरन अस्पताल पहुंचाए गए हैं, ये भी जानकारी कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, मौके पर अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फंसे हुए हैं। ये बालासोर से बड़ी जानकारी, ट्रेन दुर्घटना जिसे लेकर आंकड़ा बढ़ रहा है लगातार मौत का, इसकी आशंका पहले भी थी कि कुछ और लोग जो दबे हुए हैं उनको जब निकाला जाएगा तो इस आंकड़े में इजाफा हो सकता है। 288 लोगों की मौत हो चुकी है, अभी तक का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा अगर इसे कहें तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ, मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां पर पहुंचे हैं, घटना स्थल का जायजा लगातार ले रहे हैं, और अब चिंताजनक बात यह भी कि 1000 से ज्यादा लोग घायल अवस्था में हैं, अस्पताल में निरंतर भर्ती करवाए जा रहे हैं, लगातार जायजा भी ले रहे हैं मंत्री अश्विनी वैष्णव के, अस्पताल में जब वो पहुंचे तो